वेलकम टू एनएच किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबकी फेवरेट रेसिपी वेज पिज्ज़ा। ये पिज्ज़ा दिखने में जितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में उतना ही यम्मी और टेस्टी है। और बहुत ही आसान तरीके से वेज पिज्ज़ा कैसे बनाया जाता है ये हम आपको सिखाएंगे। वैसे तो पिज्ज़ा इटली में इन्वेंट हुआ था, बट ये इसका एक इंडियन वर्जन है। हम इंडियंस है उसी लिए फेमस कि हर एक क्यूजिन का एक इंडियन वर्जन हम निकाल लेते हैं। तो देखते हैं वेज पिज्ज़ा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे। उसके लिए हमें 3 टेबलस्पून शेज़वान सॉस चाहिए, 3 टेबलस्पून टमाटो सॉस चाहिए, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, 1/2 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली चाहिए, 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी चाहिए, नमक चाहिए स्वाद अनुसार और 1/2 टीस्पून ओरिगैनो चाहिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स, शेजवान सॉस, टमाटो सॉस अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में हमें एक गाजर को ले लेना है, उसे अच्छे से पील कर लेना है और ग्रेट कर लेना है। एक शिमला मिर्ची को डाइस शेप में काट लेना है, एक प्याज को भी डाइस शेप में काट लेना है और 1/2 कप कॉर्न ले लेना है आपको। और जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे टमाटर, ऑलिव्स, जैलपिनोस, जो भी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं पसंद है वो आप इसमें से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने पिज्ज़ा बेस ले लिया है रेडीमेड। अब इस पर हम ऑयल अप्लाई कर देंगे और पिज्ज़ा सॉस जो हमने बनाया था वो इस पर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। हमें ज़्यादा सॉस इस पर अप्लाई करना है क्योंकि हमारा सारा फ्लेवर है वो सॉसेज में ही है। इसके बाद हमें इस पर ग्रेटेड गाजर लगा लेना है और शिमला मिर्ची, प्याज और जो कॉर्न हमने लिया था वो लगा लेने हैं। इसके बाद हमें इस पर काली मिर्ची और नमक स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपको ओरिगैनो चिली फ्लेक्स पसंद है तो आप ओरिगैनो चिली फ्लेक्स भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने इस पर काली मिर्ची और नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है। थोड़ा सा मैंने इस पर मेयोनीज़ भी ऐड कर दिया। अगर आपको मेयोनीज़ और पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने दो चीज़ का मोज़रेला चीज़ ब्लॉक लिया है। ये चीज़ मैंने यूज़ किया है क्योंकि मोज़रेला चीज़ से अच्छा चीज़ को लाता है। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है और पूरे पिज्ज़ा को चीज़ से कवर कर लिया है। अब मैं इस पर ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करूँगी। इससे हमारा पिज्ज़ा दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिखेगा और इससे हमारा फ्लेवर भी अच्छे से इन्हांस हो जाएगा। अब मैं पिज़्ज़ा तवे पे बना रही हूँ, आप चाहे तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तवे को मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया तवे पे और उसे इस पर पिज़्ज़ा रख दिया और इसे स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, जब तक कि चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। 10 मिनट बाद अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है और हमारा बेस भी बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। हमारा वेज पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एनएच किचन। थैंक यू।